ॐ ह्रीं श्रीं देवी कात्यायनाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं देवी कात्यायनाय नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ का कात्यायनी रूप सबसे अधिक पूजित रूपों में से एक है। कात्यायनी माँ को बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनके चार हाथ हैं, उनका एक हाथ वर मुद्रा में है जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है जिससे वह सबकी रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने तलवार धारण की हुई है और चौथे हाथ में कमल पुष्प ले रखा है। कात्यायनी माता की पूजा करने वाले भक्त अपने मन को आज्ञा चक्र में समाहित करते हैं। आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। कात्यायनी माँ की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है जिसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करता है। वह बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा। ओम देवी कात्यायनाय नमः। प्राचीन समय में कत नाम के एक ऋषि थे जिनके पुत्र का नाम कात्या था। ऋषि कात्या के एक वंशज का नाम कात्यायन रखा गया। ऋषि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। ऋषि कात्यायन ने संतान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। देवतागण दुखी होकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु तथा शिव शंकर जी के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। एक जगह इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कात्यायनी के रूप में जाना जाने लगा। माँ कात्यायनी को राक्षसों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था और उन्होंने एक योद्धा के रूप में जन्म लिया। महिषासुर को मारने के लिए त्रिदेवों तथा अन्य सभी देवताओं ने देवी को बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। हिमालय पर्वत ने उन्हें सिंह प्रदान किया। इस प्रकार अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त माँ कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ी जहाँ महिषासुर रहता था। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिस युद्ध में माँ कात्यायनी ने महिषासुर को हरा दिया और तलवार से उसका सर काट दिया। महिषासुर के वध को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र पहने, माँ की फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर कलश तथा माँ की फोटो पर लाल रंग का तिलक लगाएं। कात्यायनी माता को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। सच्चे मन से कात्यायनी माँ को प्रणाम कर ओम देवी कात्यायनाय नमः, ओम देवी कात्यायनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवी कात्यायनी को प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाएं। माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। यदि कुमारी कन्याएं कात्यायनी माता की पूजा करती हैं तो उन्हें मन वांछित पति की प्राप्ति होती है। ब्रज धाम में गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी, इसीलिए कात्यायनी माता ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी बन गई।
नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी माता की विधिवत स्तुति करने से सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो तो कात्यायनी माता को हल्दी की गांठ भेंट करें तथा उन्हें शहद का भोग लगाएं। कात्यायनी माँ की पूजा करने से राहु और काल सर्प दोष से जुड़ी हुई परेशानियां दूर हो जाती हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। कात्यायनी माँ की प्रार्थना। चंद्र हासो ज्वल करा शार्दुल वर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। कात्यायनी माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी माँ का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी, स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्र स्थिताम षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम, वराभीतकरा शक्पद्धरा कात्यायन सुता भजामि। पटांबर परिधाना स्मेरमुखी नानालंकार भूषिता, मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम, प्रसन्न वदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम तुगम कुचाम, कमनीयाम लावण्याम त्रिवली विभूषित निम्न नाभिम। कात्यायनी माँ का स्रोत। कंचनाभाम वराभ्यम पद्मधरा मुक्तोज्वलाम, स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते। पटांबर परिधानाम नानालंकार भूषिताम, सिंहस्थिताम पद्महस्ताम कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा, परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता, विश्वचिंता विश्वातीता कात्यायन सुते नमोस्तुते। काम बीजा कांजपानंद का बीज जप तोषिते, का बीज जप दासक्ता का संतुता, कांकार हर्षिणी का धंदा धन मासना, का बीज जप कारिणी का बीज तप मानसा, का कारिणी का मंत्र पूजिता का बीज धारिणी, का की कू कै कठ छ स्वाहा रूपिणी। कात्यायनी माँ का कवच। कात्यायनो मुख पातु का स्वाहा स्वरूपिणी, ललाटे विजया पातु मलिनी नित्य सुंदरी, कल्याणी हृदयम पातु जया भगमालिनी। कात्यायनी माँ की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी, वैद्यनाथ है स्थान तुम्हारा वहावर दाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है यह स्थान भी सुख धाम है, हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते हैं हर मंदिर में भक्त कहते हैं, कत्यानी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की, झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए ध्यान कात्यायनी का धरिए, हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय माँ कात्यायनी जय माँ कात्यायनी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में महामाई का जयकारा अवश्य लगाएं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की।